वीवो प्रो कबड्डी लीग सीजन 6 का विजेता बस 40 मिनट दूर है। एक तरफ पवन सहरावत और उनके साथी रोहित हैं, दूसरी तरफ सुनील कुमार और उनके साथी प्रवेश भैंसवाल हैं। दो सुपर 10 और तीन तकरीबन सुपर 10 अद्भुत फॉर्म में हैं। बिल्कुल साफ है कि इस मुकाबले में प्रेशर टू ओ डाई रेड है या प्रपंजन पॉइंट लेंगे। आउट, क्या बात है, बुल्स के डिफेंस को दूसरी कामयाबी मिली। चले नहीं है सचिन को भी शुरुआत में पॉइंट्स नहीं मिले। आप जानते हैं सचिन पहले 10 मिनट में सबसे ज्यादा पॉइंट लेते हैं। यहां पर दूसरे पॉइंट का नामा है सचिन का और एक वैरायटी लाते हैं टीम में। लेफ्ट रेडर है, बाकी दोनों राइट रेडर है। एक बोनस की ट्राई की इस बार राइट कॉर्नर पर हाजी है क्योंकि ऋतुराज बाहर है। यहां पर पवन ने थोड़ा सा दुस्साहस किया, स्कोर लाइन खुद ब खुद बयां कर रही है। सुमित मलिक रिवाइव होकर अंदर आ गए हैं और ये ऑल आउट बेंगलुरु बुल्स। मैच के 18वें मिनट में गुजरात ने गर्जना की है, बुल्स को ऑल आउट किया है। पवन को चुप रखना, रोहित को एकदम खामोश रखना गुजरात के लिए पहले हाफ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनके मेन रेडर प्रपंजन चले हैं, उनके डिफेंस में हर एक खिलाड़ी ने पॉइंट लिए हैं और यही कारण है कि गुजरात पहले हाफ के बाद बेंगलुरु बुल्स पर 7 पॉइंट से आगे हैं। ये हूटर टू और डाई 5 का डिफेंस सुरक्षित लौटना होगा जो संभव है। ये पिछला बोनस भी हमने देख लिया, और पवन अपने सुपर 10 से 1 पॉइंट दूर है। पवन सहरावत यहां पर क्या पॉइंट, दो तो निश्चित तौर पर है। इससे पहले बोनस लेके गए और इसके साथ ही गुजरात फॉर्चून जायंट्स के लिए ये मुश्किलों का समय है। रोहित गुलिया रेड पे है। पिछले 5 मिनट में बुल्स को 10 पॉइंट मिले, गुजरात को 3 पॉइंट मिले। महिंदर राइट कॉर्नर पर, उनकी जगह इनको शामिल किया गया है। 2 पॉइंट और लीड फिर बदल जाएगी। 3 पॉइंट बाद जाकर के ये तूफानी सुपर रेड रोहित गुलिया के नाम। 30-30 से टाई मुकाबला भी खेला गया था और यहां पर एक बार फिर सुमित प्रो कबड्डी का मुकाबला। यहां पर नंबर 13 अमित को शामिल किया गया है, एक डिफेंडर को। पवन सहरावत, इनको कौन रोकेगा। भले ही ये विचित्र बात हो लेकिन हकीकत यही है, बेंगलुरु बुल्स ने अपने आप के लिए एक खाब को हकीकत में तब्दील कर दिया।